तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्तरा बेस केम कलोन के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस खूबसूरत से फ्रेग्रेंस के बारे में तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फ्रेक्स टॉक में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसीडर कीजिएगा सब्सक्राइब का बटन दबाना, क्योंकि इस चैनल पर हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते रहते हैं और हमारी मुलाकात भी दोबारा होती रहेगी। बात करें उस्तरा कंपनी के बारे में, तो जो उस्तरा कंपनी है इंडिया में बहुत बढ़िया सा लीडिंग ब्रांड है मेंस ग्रूमिंग के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की इनकी कैटेगरीज है, स्किन केयर, परफ्यूम्स, कोलोन्स, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस्तरा कोलोन्स के बारे में। और बेस कैंप है 100 ml है। तो प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रीमियम लुकिंग बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ आपको थोड़ा टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि हाथ में फील भी होता है। ब्लू कलर की थीम लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पीछे आप जब देखेंगे तो यहाँ इस फ्रेग्रेंस की थीम लिखी हुई है कूल क्रिस्प फ्रेग्रेंस ऑफ द माउंटेन्स। और वाकई में बहुत खूबसूरत सा माउंटेन्स जैसा कूल क्रिस्प फील कराता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेग्रेंस के बारे में। और इसकी जो MRP लिखी हुई है वो यहाँ 799 लिखी हुई है, लेकिन ये आपको अमेजोन पे 500 rupees में आराम से मिल जाता है। तो जो इसकी प्राइजेस है वो 500 rupees है, और 500 rupees में इतना अच्छा प्रीमियम लुकिंग जो बॉक्स है वो आपको मिलता है। और जब आप इसे ओपन करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी बॉटल आपको मिलती है जो मुझे काफ़ी पसंद आती है, एकदम ब्लू थीम में कुछ इस तरीके से इसकी बॉटल है। यहाँ उस तरह का लोगो दिखेगा आपको, बेस कैंप लिखा हुआ है 100 ml और कलोन 100 ml लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो कलोन है ये परफ्यूम में सबसे पहली कैटेगरी आती है, उसके बाद में EDT, फिर EDP, फिर प्योर परफ्यूम। तो डिओडोरेंट के बाद में अगर आपको ऑप्शन चाहिए, डिओडोरेंट बस ऑडर को प्रिवेंट करता है, बॉडी ऑडर को रोकता है और हल्की सी फ्रेग्रेंस देता है। उसके बाद में ये जो है ये आपकी स्किन पे बहुत बढ़िया सी लेयर बना के रखता है और फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती रहती है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हैवी फ्रेग्रेंस लगाना नहीं पसंद करते हैं, एकदम बढ़िया सा उनको फ्रेश फील चाहिए, वो फ्रेश फील ज़रूर आपको इस फ्रेग्रेंस में मिल जाएगी। आगे हम और इसके बारे में बात करेंगे। तो एक ग्लास बॉटल मिलता है आपको, बहुत सा खूबसूरत सा बेस में आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी। और आप इसका जो केप है बहुत प्रॉपर तरीके से फिक्स है, आप आराम से केप से भी पकड़ सकते हैं। और इसका केप प्लास्टिक ही है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्प्रेयर सिल्वर कलर का आता है और बहुत बढ़िया खूबसूरत सा स्प्रे इसमें से निकलता है। मुझे स्प्रेयर भी काफ़ी इसका पसंद आया। दोस्तों अगर बात करें इसकी खुशबू के बारे में, तो जैसे ही आप इसे लगाते हैं बहुत बढ़िया सा रिफ्रेशिंग फील होता है। मुझे सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग ने इसमें पसंद आया ये फ्रेग्रेंस, बहुत खूबसूरत सा रिफ्रेशिंग कूलिंग टाइप का फ्रेग्रेंस है। आपको ज़रूर, जैसा कि इसकी थीम है लिखा है क्रिस्प फ्रेग्रेंस ऑफ द माउंटेन्स, आपको ज़रूर माउंटेन्स की याद दिलाता है। स्नो भरे माउंटेन्स है जहाँ पे बर्फ बर्फीली वादियाँ हैं उनकी ज़रूर ही आपको याद दिलाता है। काफ़ी अच्छा कूलिंग फ्रेग्रेंस है। तो इसका जो स्टार्टिंग नोट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको शुरू में इसमें बगमो आराम से मालूम पड़ेगा, लेमन की इसमें बहुत खूबसूरत सी वाइप, मिंटी टाइप की वाइप्स में आपको मालूम पड़ेगी। बीच में एक बहुत खूबसूरत सा नोट दिया है जो मुझे आज तक फ्रेग्रेंस में देखने को नहीं मिला, इसी फ्रेग्रेंस में मिला, जो कि है गेंदे के फूल का। गेंदे का एक बहुत बढ़िया सा हिंट इसमें देखने को मिलता है इन बहुत कूलिंग टाइप की फ्रेग्रेंस के साथ में, टॉप नोट्स के साथ में अच्छे से ब्लेंड है। और साथ में रोजमेरी एक फ्लावर है बहुत खूबसूरत सा, उसका भी इसमें टच हिंट दिया हुआ है जो इसको एक फॉरेस्टी वाइब देता है। गेंदे का जो फूल होता है वो भी इसको एक फॉरेस्टी वाइब देता है। और फिर बेस में आपको थोड़ा सा अंबर टाइप का, सीडर टाइप का, मस्की टाइप का, बहुत खूबसूरत सा मस्क का नोट भी इसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है आपको एकदम बढ़िया सा कूलिंग इफेक्ट देगा, आपको कभी भी आप इसे वियर कर सकते हैं। ये जो फ्रेग्रेंस है आप अगर अपनी दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप अभी तक परफ्यूम्स नहीं लगाते हैं, आपको बहुत हेवी लगते हैं, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की, बहुत खूबसूरत सा आपका दिन जाने वाला है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसा कि ये क्लोन है इसका मतलब कि इसमें ऑयल जो फ्रेग्रेंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इस फ्रेग्रेंस से, ये आपको आराम से 4 से 5 घंटे तक लास्ट करता है। आप थोड़ा स्किन पे लगाइए, 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसे लगा सकते हैं, क्लोथ्स पे लगाइए,
पाँच से छः स्प्रे आप इसके अगर करेंगे तो आराम से 4 से 5 घंटे चलेगा। अगर आपको रीअप्लाई करना है आप रीअप्लाई कीजिए, पूरे दिन लास्ट करेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, बहुत खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो फ्रेग्रेंस क्वालिटी है वो कहीं भी आपको चीप या सिंथेटिक नहीं लगती, बहुत खूबसूरत वे में आपको ले जाती है, एक बहुत बढ़िया सा फील कराती है, एक रिफ्रेशिंग आफ्टर सेव जैसा ये फील देता है आपको, खूबसूरत सा। और दोस्तों प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो बॉटल का प्रेजेंटेशन है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, आप कहीं भी रॉन्ग नहीं होंगे अगर आप इसे लेते हैं, आप इसे अप्लाई करते हैं। आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी ओकेशन में, किसी भी सीजन में आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन समर के लिए बहुत खूबसूरत सा है ये फ्रेग्रेंस, आपके पूरे दिन एक हल्की हल्की सी कूलिंग वाइब ही आपको देता रहेगा। तो अगर बात करें एज ग्रुप के बारे में तो ये हर एज ग्रुप पे बहुत बढ़िया सा सूट करता है। आप ऑफिस वियर कर सकते हैं, आप कॉलेज वियर कर सकते हैं, जिम वियर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा आपको फील दिलाएगा ये फ्रेग्रेंस। तो यही था मेरा टेक उस तरह के बेस कैंप के बारे में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके जो भी थॉट्स हैं इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, या फिर आप कोई उस तरह का फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं तो ज़रूर मुझे आपका एक्सपीरियंस लिख के बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, महकते रहिए। जय हिंद।